नमस्ते दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये जो सीढ़ी है हम आपको नापी दिखाए थे, पहले टोकने से पहले नापी दिखाए थे। यहाँ पे कितना बाई कितना नापी आ रहा था पहले दिखा दिए थे, इस तरह से पूरा कंप्लीट कर दिया। तो कंप्लीट का वीडियो दिखा देते आप लोगों को, तो आपको इस तरह से समझना चाहिए किस तरह से मतलब सेटिंग किए, तो कहीं पर गलती नहीं हुआ है। चलिए हम दिखाते हैं, जैसे हम नापी किए थे पहले का, उसी तरह से उसी का आधार से हम इसको ठोकाई शुरू किए। तो ठोकाई शुरू किए तो देखिए किस तरह से सीढ़ी बनकर रेडी हो चुका है। देखिए आप देखिए किस तरह से रेडी बन हो गया बनके, और किस तरह इसको बनाना है। तो चलिए उसका भी और रिप्लाई करके दिखा देते आप लोगों को, समझ में आ जाएगा कहीं पर भूल गए तो। और इसका जो नापी किए थे, नापी का वीडियो का डिस्कशन में लिंक दे देंगे, तो पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। और वो डिस्कशन में लिंक जो दे देंगे इसका वीडियो में, वो भी पूरा देखिए समझ में आ जाएगा। और इसका चौकाई शुरू करने वाला लिंक डिस्कशन में दे देगा, आप समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले वो वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहीं से नापी करके दिखाए थे, यहाँ देखिए दागी मरा हुआ मेरा, यहाँ से हम नापी की, ये जो चौताई है, ये जो चौताई है यहाँ से नापी किए इतना तक। देखिए पहले जोड़ा था यहाँ तक मेरा, यहाँ तक जोड़ा था। तो हम ये ढलाई करेंगे 5 इंच का, ये छत का ढलाई है, ये छत का मोटाई है। तो छत का मोटाई मेरा 5 इंच, देखिए देखिए पूरा छत, देखिए ये छत का जो पूरा कंप्लीट हो चुका है, छड़ बांधेंगे कंप्लीट, सब सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों देखिए इसका मोटाई हम रखेंगे 5 फीट। तो सबसे पहले जितना सीढ़ी कंप्लीट करने से पहले आप जानना चाहिए कि कितना ढलाई का मोटाई रखेंगे। तो हम 5 फीट रखेंगे, तो 5 फीट का सॉरी 5 इंच रखेंगे, 5 इंच का नापी कर लेते पहले। यहाँ से मेरा यहाँ तक नापी किए हैं तो पूरा 3.5 फीट आ चुका है मेरा। तो 3.5 फीट में मेरा ये जो स्टेप, ये जो पट्टा का चौड़ाई देखिए रहा, ये जो पट्टा का चौड़ाई होता है दोस्तों, देखिए ये जो पट्टा का चौड़ाई है, ये चौड़ाई मेरा 6 इंच का है। तो ये 6 इंच जो है, 6 इंच का हम स्टेप का हाइट ले लेंगे। तो स्टेप का जो हाइट होता है ये 6 इंच का लेंगे, ऐसे चढ़ने वाला, ऐसे चढ़ने वाला मेरा 6 इंच का रहेगा इस तरह से। और ये जो देखिए, ये मेरा 10 इंच का रहेगा, ये पैर रखने वाला है, ये 10 इंच का रहेगा, ये राइजर मेरा 10 इंच का रहेगा। और ये स्टेप हाइट का मेरा 6 इंच का रहेगा, 6 इंच या 10 इंच, ये समझ लें, ये ध्यान देना है, ज़रूरी है ध्यान देना ही है, भूलना नहीं है। तो यहाँ देखिए इस, तो देखिए ये जो चौड़ाई लेंगे हम, जो यहाँ से मेरा नापी करेंगे ये 44 तक, तो हमको ये चौड़ाई का आधार आएगा, ये चौड़ाई, ये मेरा जब 6 इंच लिए हैं तो ये 3.5 फीट आ गया है। ये 3.5 फीट को इसको भागा, यह जो मेरा 6 इंच आ गया है। तो 6 इंच का स्टेप जब लेंगे, यहाँ तक मेरा जो 5 इंच मिला के लेंगे, ये जो 5 इंच हाइट लिए हैं छत ढलाई का, तो यहाँ से हम नापी करते हैं ये 44 तक, तो मेरा 3.5 फीट आ गया है। तो 3.5 फीट जब आ गया है तो ये हाइट नापी हो गया है, मेरा हाइट यहाँ से यहाँ तक। तो मेरा जब ये से यहाँ तक हाइट में लिए हैं तो मेरा स्टेप कितना को आएगा वो समझना चाहिए। तो देखिए देखिए सबसे पहले क्या करें, तो सबसे पहले ये जो मोटाई है मेरा, जो स्टेप का मोटाई है, तो दोस्तों जब 3.5 फीट लिए तो इसका मोटाई चेक करना है। तो इसको मोटाई हमको कितना रखा है, ये बहुत मिस्त्री क्या करता है, 8 फीट रखते हैं, 6 इंच रखते हैं, 8 इंच रखते हैं, वैसे नहीं रखेंगे हम, पूरा 6 इंच रखेंगे। उसमें क्या होगा, चढ़ने में आसानी हो जाएगा। तो आप भी 6 इंच रखिएगा तो बहुत बढ़िया होगा। तो 6 इंच का स्टेप का चौड़ाई देंगे हाइट, तो 6 इंच का स्टेप हाइट देंगे मेरा 3.5 फीट में, मेरा 1 फीट में, ऐसा नहीं है 1 फीट में 14 इंच आ रहा, 10 इंच आ रहा, ऐसा नहीं, 1 फीट में 12 इंच आ रहा, तो सबको पता है। तो मेरा जब 1 फीट में 12 इंच आ रहा, तो 1 फीट में तो मेरा 6 इंच किंतु कन्वर्ट करेंगे तो 1 फीट में 2 स्टेप आ रहा है, तो मेरा 3.5 फीट में मेरा 7 स्टेप आ रहा हो गया, 7 स्टेप, ये 7 स्टेप हो गया। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मेरा पट्टा, देखिए जो पट्टा सेटिंग की है उसी में मेरा स्टेप का आएगा। और देखिए और इसका राजार जो चौड़ाई है, राजार कितना है, चौड़ाई मेरा लेंगे तो कितना लेते हैं, देखिए चौड़ाई, चौड़ाई मेरा 10 इंच रखेंगे, ऐसा नहीं 9 इंच रखेंगे, ये रखेंगे हम पूरा 10 इंच करके रखेंगे चौड़ाई। तो हमें जब 10 इंच रखेंगे तो 10 इंच × 7 जो 7 स्टेप आ रहा, तो 7 का कन्वर्ट करते हैं, 7 × 10 = 70, तो 7 × 10 लगा के हम कन्वर्ट करते हैं, 70 इंच मतलब 70 फीट इंच आ गया, 70 इंच फीट
फिट नहीं है, एक फिट में 12 इंच होता है, सो 70 इंच आ गया। तो यहाँ से नापेगा ना, देखिए यहाँ से साउल लगाइएगा, ये जो ताजी मारे हैं यहाँ से हम साउल लगाए यहाँ से, और यहाँ से हम नापी किए हैं 70 इंच आ गया। ये 70 इंच हम मिला लिए और इसके देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो आप लोग भी इस तरह से फाइनल कंप्लीट कर लीजिए। तो मेरा ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पूरा, इसको पहले एरो मार के हम दिखाए थे जो पहले शुरू करने से पहले इसका सीढ़ी का, तो उस तरह से आप वीडियो देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा A to Z। और अभी आज कंप्लीट हो चुका है, आप ढलाई करने वाला है दोस्तों, अगर रुक कीजिएगा। और दोस्तों देखिए इसको एक नहीं, ये सेकंड लेयर का मेरा सीढ़ी है, एक लेयर पहले बना हुआ है। देखिए एक लेयर आगे वाला दिखा दीजिए बढ़िया से, देखिए वो वाला सीढ़ी नीचे से आ रहा है, वो वाला बना दिए फर्स्ट लेयर है और ये सेकंड लेयर का, मतलब दो लेयर का सीढ़ी बन रहा है इसमें। तो दो लेयर का सीढ़ी बन रहा है तो देखिए ये वाला छोटा क्यों हो गया, मेरा जो ये वाला लॉन्ग हो गया पूरा नीचे वाला, इसमें मेरा यहाँ पे डोर है, यहाँ पे डोर है मतलब दरवाज़ा है यहाँ पे, तो दरवाज़ा है तो इसको हाइट लिया, दरवाज़ा का हाइट 7 फीट में होता है, 6 फीट में हाइट नहीं दिया, पूरा 7 फीट में मेन दरवाजा है, इसमें मेन दरवाजा का हाइट दिया 7 फीट, इसलिए इसको पूरा लॉन्ग हो चुका है और इसको छोटा हो गया। देखिए इस तरह से छोटा हो गया, और ऊपर में जो होगा पूरा सही होगा, ऐसा नहीं ऊपर में दोनों सही हो जाएगा, उसका वहाँ से लेंगे और इसका भी लॉन्ग हो जाएगा, मतलब पूरा साइज का हो जाएगा। तो इसको देखिए पूरा, इसको तो पूरा बता दिए, इसका चौड़ाई बता दिए 10 इंच 6 इंच का, इसका 10 इंच का, और यहाँ से यहाँ तक कितना इंच है देखिए, यहाँ से मेरा 3.5 फीट है, यहाँ 3.5 फीट है मतलब 42 इंच, वो भी है मेरा 3.5 फीट। तो दोस्तों देखिए ये मेरा 3.5 फीट है 42 इंच, और वो भी नीचे जो है वो भी 42 इंच है 3.5 फीट। तो मेरा ये सीढ़ी का चौड़ाई वैसे इसका जितना रखे वैसा ही वो भी है, और किसको लॉन्ग इसका छोटा और लॉन्ग बड़ा है, लेकिन इसके कोई ज़रूरत नहीं है, और इसी से लॉन्ग जितना हुआ कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ छात लेवल तक हमको सही स्टेप चाहिए, मेरा छात लेवल तक मेरा सही स्टेप चाहिए, इस तरह से चौड़ाई 6 इंच का और 10 इंच का स्टेप चाहिए। तो इस तरह से पूरा कम्प्लीट हो चुका है।